हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज पोलर एरे को। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पाथ एरे के बारे में और उससे पहले हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल एरे को, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलर एरे को कि पोलर एरे क्या यूज होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, बेसिकली मेन पर्पज क्या है इसका। तो देखिए, बात करें पोलर एरे के बारे में तो देखिए, एरे के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है, कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी किया जा सकता है। लेकिन बात करें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने रेक्टेंगल एरे के बारे में डिस्कस किया था। तो रेक्टेंगल एरे हमें क्या कर रहा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी हो रहा था, बट एक रेक्टेंगल शेप के अंदर कॉपी हो रहा था। पाथ एरे के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो पाथ एरे के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो एरे था, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी हो रहा था, बट यहाँ पर एक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर कॉपी हो रहा था। लेकिन बात करें यहाँ पर पोलर एरे की, तो देखिए पोलर एरे का बेसिकली यूज क्या होने वाला है बेसिकली, तो यहाँ पर पोलर एरे का यूज होने वाला है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी तो करना चाहते हैं, बट वहां पर आप क्या करना चाहते हैं, एक पोलर मतलब आप एक सर्कुलर शेप में यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। बेसिकली मैं बात बताना चाहूंगा, आपने डाइनिंग टेबल देखी होगी, यस, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ आपने क्या देखी होगी, चेयर्स देखी होगी। वो चेयर्स क्या होती है, उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ यहाँ पर अरेंजमेंट होती है। तो वो चेयर यहाँ पर हम वही चीज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अरेंजमेंट करने वाले हैं मल्टीपल टाइम के लिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करना है, बट यहाँ पर उन ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब वहां पर आप किस तरह से कॉपी कर सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, AR एंटर है। जैसे ही आप AR एंटर करेंगे तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पोलर एरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप रेक्टेंगल एरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर पाथ एरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम डिस्कस करें यहां पर पोलर एरे के लिए, तो यहां पर PO एंटर करना पड़ेगा या पोलर एंटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट चलने वाले हैं बेसिकली, हम उसके बारे में 1x1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली पोलर एरे किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आते ही हमने देखा यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दूसरा यहां पर क्या बना हुआ, सर्कल बना हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि मेरे इस पाथ को, यस, यहां पर इस सर्कुलर शेप के अंदर यहां पर क्या होना चाहिए, मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर क्या डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पर पोलर एरे को यहां पर यूज करना चाहूंगा। तो देखिए किस तरह से यहां पर यूज होता है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर इस सर्कुलर शेप के ऊपर लिखाते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका मूवमेंट करना चाहता हूं, तो एम का एंटर करूंगा। यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। बेसिकली इसका बेस पॉइंट यहाँ से उठाना है मुझे, और देखिए यहाँ पर F8 हटा देते हैं और यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस सर्कुलर शेप के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के यहाँ पर क्या होना चाहिए, रोटेट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरे एंटर करना है, AR एंटर किया एरे के लिए, सेलेक्ट द आइटम, आइटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है जिसको मेरे को यहाँ पर मूव कराना है, इसको एंटर करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल एरे के बारे में डिस्कस किया था, पाथ एरे के बारे में डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं पोलर एरे के। तो पोलर एरे के ऊपर जैसे ही हमने सेंटर किया, अब यहाँ जो यहाँ पर क्या देना है, सेंटर पॉइंट देना है। तो बेसिकली मुझे सेंटर पॉइंट देना है, तो देखिए सेंटर पॉइंट या तो मैं सर्कल का दे सकता हूँ या फिर जिस चीज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इसके रोटेट करवाना है वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं सेंटर पॉइंट देना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर सेंटर पॉइंट कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने सेंटर पॉइंट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उस सेंटर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेट हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर वापस रिबन बार के ऊपर, रिबन बार को जरा देखें यहाँ पर, तो वो हमारी चेंज हो चुकी है, उसके बारे में 1x1 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे जैसे हमारे पास रिबन बार के अंदर ऑप्शंस है, वही के वही हमें कहा दिखने वाले हैं, कमांड बार के अंदर भी दिखने वाले हैं, यस, कमांड विंडो के अंदर भी हमें वो चीजें देखने को मिलेगी। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप यहाँ पर क्या हो चुकी है, अब यहाँ पर पोलर हो चुकी है। देखिए जब हमने टाइप डिस्कस की थी रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल था, जब हमने पाथ को डिस्कस की तो पाथ था, अब यहाँ पर हम पोलर को डिस्कस कर रहे हैं तो टाइप हमारी कौन सी हो चुकी है, पोलर हो चुकी है। अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आइटम्स की, तो देखिए यहाँ पर इस सर्कल्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, अभी यहाँ पर 6 है, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम करना चाहता हूँ 4, तो यहाँ पर 4 एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 18 आपके पास जो 360 degree है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। अब जरा बात करते हैं बिटवीन, देखिए बिटवीन क्या चीज यूज करने वाले हैं कि आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट है, यस, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर कितना होने वाला है, तो यहाँ पर बताता है आपके पास बिटवीन का। अब जरा बात करते हैं फिलिंग की, तो फिलिंग का मतलब क्या है, आपके पास जो आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और उसी से घूमते हुए वापस सेकंड ऑब्जेक्ट तक आने के बाद आपके पास एंगल जो हो रहा है वो यहाँ पर कितना हो रहा है, 360 degree हो रहा है। तो बस उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस है। अब देखिए नंबर ऑफ आइटम को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ आइटम को कर देता हूं मैं 6 वापस और एंटर प्रेस करता हूं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्शन, नंबर ऑफ आइटम क्या हो चुके हैं, वापस क्या हो चुके हैं, सिक्स हो चुके हैं। क्लियर। अब जरा बात करें यहाँ पर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अभी कितनी दे रखी है यहाँ पर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो यहाँ पर कितनी हो रखी है, 60 हो रखी है। देखिए कैसे हुई यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6 है, और यहाँ पर टोटल डायरेक्शन के टोटल एंगल्स कितने हैं यहाँ पर, तो टोटल आइटम डायरेक्शन यहाँ पर आइटम्स है यहाँ पर हमारे कितने हैं यहाँ पर 360 डिग्री है। यस, टोटल एंगल्स कितने हैं यहाँ पर 360 डिग्री, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 6, 360 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर आज रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे यहाँ पर 60 आने वाला है। क्लियर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे जो दो जो आइटम्स के बीच का जो एंगल्स है वो यहाँ पर मेरा 45 हो जाए। यस, यहाँ पर दो नंबर ऑफ आइटम के बीच का जो एंगल्स है वो यहाँ पर मेरा 45 हो जाए, तो यहाँ पर मैं एंगल को कर रहा हूँ 45, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो आइटम्स है, यस आइटम्स है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहे हैं, 6 तो रहे। यस, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम है वो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 है, बट यहाँ पर जो दो आइटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अब कितनी हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो वो आइटम्स की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 45 हो चुकी। क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम जो रिमूव हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर रिमूव हो रहे हैं। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्शन है इसको वापस कर देता हूँ 60 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो यहाँ पर इसके बीच में टोटल जो डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ पर वो कितने ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर, यहाँ पर कर देते हैं 360 डिग्री, यहाँ पर मैंने कर दिया 360 और एंटर प्रेस कर दिया है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर इक्वली अरेंजमेंट हो चुके हैं। अब जरा नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है नेक्स्ट है रो की। देखिए जैसे रो और लेवल जो है आपके पास रेक्टेंगल एरे के अंदर भी चल रहा था, आपके पास यहाँ पर पाथ एरे के अंदर भी चल रहा है, और यहाँ पर आपके पास पोलर एरे के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ रोज के बारे में बात करें तो देखिए नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है, 1 है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पर 3 एंटर कर देता हूँ, तो 3 एंटर करने पर देखिए नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी हो गई है, 3 हो चुकी है। देखिए एक के बाद एक के बाद एक कॉपी होती हुई नजर आ रही है। क्लियर। अब वापस करते हैं नंबर ऑफ रो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कर देता हूँ 1 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी हो चुकी है अब यहाँ पर देखने पर, यस 1 हो चुके। क्लियर। अब दोबारा बात करते हैं यहाँ पर रो के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अब देखिए रो के अंदर नीचे क्लिक करो तो यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल्स आ रहा है। इंक्रीमेंटल्स का मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो कॉपीज हो रहे हैं वो कितने टाइम्स आपको ऊपर की तरफ कॉपी करना है। ओके, तो अब जरा देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिग्रीज लिखा हुआ, यहाँ पर 0 इंचेस लिखा है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर चेंजेस करना चाहूंगा और इस चेंजेस को करना चाहूंगा यहाँ पर 50 इंचेस। यस, यहाँ पे 50 इंचेस को एंटर पर प्रेस करूंगा तो ये हमारे जो आइटम्स है वो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी हो चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको रेक्टेंगल में देखा था, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर लेवल्स की, तो लेवल्स क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेवल के अंदर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स की, तो देखिए एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स के बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं कि यदि आप इस जो आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यदि आप इसे केवल एक ब्लॉक के रूप में रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इसे वापस मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसे एरे के रूप में चाहते हैं तो इसको एसोसिएटिव्स रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर एक इंडिविजुअल डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितने भी आपके डायग्राम हुए वो यहाँ पर एरे के रूप में तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन उसके बाद में आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंडिविजुअल हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन एसोसिएटिव्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेस पॉइंट, यदि आप इसका बेस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बेस पॉइंट के ऑप्शन को यहाँ पर चेंज करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है रोटेट आइटम। अब जरा देखते हैं रोटेट आइटम के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, तो रोटेट आइटम अभी क्या है हमारे पास, इनेबल्स है, रोटेट आइटम इनेबल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो आइटम्स है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डायरेक्शनली यहाँ पर क्या है, रोटेट है। अब देखिए यहाँ पर करता हूँ नॉन रोटेट आइटम, तो यहाँ पर आपके पास नॉन रोटेटेड आइटम करने पर क्या हो रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट था, आपके पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, सबकी डायरेक्शन हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप रोटेट आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो रोटेट आइटम के ऊपर क्लिक करने पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, यस आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं, आपके जो सर्कुलर पाथ है उसकी तरफ यहाँ पर डायरेक्शन करके बैठे हैं। जैसे कि मैं आपको बात करना चाहूंगा, आपने डाइनिंग टेबल देखी होगी, यस डाइनिंग टेबल के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, यदि डाइनिंग टेबल की आपको जो चेयर्स है, यस उस डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स है आप डाइनिंग टेबल की तरफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रोटेट आइटम। यदि आपकी जो डाइनिंग टेबल की डायरेक्शन है उन सभी को चेंज करके आप करना चाहते हैं एक ही फेसेस के अंदर, एक ही फेसेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही फेसेस का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी किसी एक दीवार के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस रोटेट आइटम को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आपने डिसेबल किया यहाँ पर तो आपके पास क्या हो गया, सारा का सारा जो डायरेक्शन हो गई है सबकी एक डायरेक्शन हो गई है।
क्लियरली समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। देखिए डायरेक्शन का यूज करें यहाँ पर, तो डायरेक्शन का यूज क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, कि जैसे आपने यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम को चेंजेस करने के लिए यहाँ पर क्या किया था आपने, कि आपका जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पर क्या चल रही थी, क्लॉकवाइज चल रही थी, आप उसे एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन आइटम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपके पास जो एरो है, देखिए यहाँ पर जो एरो है वो अभी किस तरफ चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर यदि डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और यदि इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर वापस चले वापस एरे के अंदर, ओके कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पर, ओके एरे के अंदर चले, एरे एंटर किया यहाँ पर, एरे एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर पोलर एरे यूज करना है, पोलर एरे के लिए मुझे यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट दिया, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपके पास सेंटर पॉइंट था, ये आपके पास डायरेक्शन पॉइंट था, डायरेक्शन पॉइंट अभी कहाँ चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, यदि आप उसे क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ आइटम को यहाँ पर यदि मैं चेंज करना चाहूँ, यदि मैं नंबर ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कम कर लेते हैं, डिस्टेंस को कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 45, तो देखिए 45 एंटर प्रेस किया यहाँ पर और प्रेस किया यहाँ पर, तो देखिए आपके पास जो इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं आपके पास, इस तरह से हुए हैं। मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर से चेंजेस हो गए। क्लियर? पहले आपके किस तरह से हो रहे थे, क्लॉकवाइज हो रहे थे, इस बार कैसे हो गए, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ओके। तो डायरेक्शन को चेंज करने पर देखिए आपके पास जो डायरेक्शन हो रही है वो यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए डायरेक्शन को इनेबल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो रिड्यूसिंग हो रही है वो किस तरह हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। यदि डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास जो रिड्यूसिंग हो रही है वो क्या हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब कर देते हैं इसको क्लोजर है, ओके यहाँ पे कर देता हूँ क्लोजर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर यहाँ पर फिर से हमारे पास मॉडिफाई आइटम आ जाता है कि हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर एडिट सोर्सेज के ऊपर, एडिट सोर्सेज को एक बार फिर से देख ले फटाफट। देखिए एडिट सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, आप किस ऑब्जेक्ट को सोर्स एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। उसके बाद देखिए क्या एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल को प्रेस करना चाहता हूँ, सर्कल बनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा सर्कल बना लिया है, उसके बाद एंटर प्रेस किया है, यस। उसके बाद देखिए एडिट प्रेस करना है, एडिट से सेव चेंज करना है, सेव चेंज किया तो यहाँ पर सारे के अंदर क्या हो गया, चेंजेस हो गया। क्लियर? अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है रिप्लेस आइटम, किस आइटम से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आइटम बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद बात कर रहा हूँ यहाँ पर मॉडिफाई की, देखिए मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मॉडिफाई आइटम आ जाएगा। उसके बाद क्या है, रिप्लेस आइटम, रिप्लेस आइटम के ऊपर क्लिक किया, सोर्स आइटम, सोर्स आइटम के ऊपर क्लिक किया, जिस आइटम के ऊपर क्लिक करना है एंटर प्रेस किया यहाँ पर, मुझे देना है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट उसी को बना दिया है। उसके बाद जिस आइटम के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आइटम आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जिट करना है, तो एग्जिट कर दीजिए आप। क्लियर? तो मैं एग्जिट के लिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ई एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कमांड विंडो है यहाँ पर बार बार बीच में आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एग्जिट के लिए ई एंटर प्रेस किया है यहाँ पर और एंटर कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एग्जिट हो चुका। क्लियर? उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये हो गया, और उसके बाद क्या कर रहा है, क्लोज कर चुका। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जो आगे वाले जो ऑप्शंस बच चुके हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर देखिए हमने सारे ऑप्शंस को देख लिया है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो अगले ऑप्शंस है जो हमारे पास रह गए हैं उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चले ऑप्शंस के अंदर, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाइड टूल्स के अंदर देख चुका हूँ। अब देखिए हमारे पास जो अगले ऑप्शन है उसके बारे में देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्रॉइंग बना लेता हूँ, यस मैं ड्रॉइंग ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, यस यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे जो अगले ऑप्शन जो रह गए थे उनके बारे में देखते हैं यहाँ पर, जो हम के कमांड विंडो के थ्रू आप देख पा रहे थे, यस। तो देखिए यहाँ पर चले कमांड विंडो के थ्रू, तो देखिए सिंपल सा एआर एंटर करना है, एआर एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर पोलर एरे लेना है तो पोलर एरे के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए बेस पॉइंट और यहाँ पर बोला है एक्सेस टू डॉट एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो देखिए बेस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेस पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, रह गया हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कौन सी एक्सेस के साथ यहाँ पर रोटेट कराना चाहते हैं बेसिकली। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से रोटेट कराना चाहते हैं, कौन सी एक्सेस के थ्रू रोटेट कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एक्सेस रोटेशन दे देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसको दे दिया है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यस यहाँ पर इस एक्सेस को दे दिया फर्स्ट पॉइंट। फिर लिखा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो मैंने दे दिया है इसको यहाँ पर एक्सेस ऑफ सेकंड ऑफ रोटेशन, क्लिक। अब यहाँ पर एंटर प्रेस किया, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से रोटेट हुआ है, तो जो हमने यहाँ पर एक्सेस दी थी वो ऑब्जेक्ट उसी एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेट हुआ है। कैसे रोटेट हुए जरा देखिए यहाँ पर, तो चलते हैं 3D के अंदर। देखिए हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ रोटेशन इस तरह से दी थी, यस क्रॉस में दी थी यहाँ पर, तो आपके पास जो एक्सेस थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गोल गोल रोटेशन हुआ। क्लियर?
हमारे पास जो एक्सेस दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, गोल गोल रोटेशन हुआ है। जरा उसको देखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहे थे, आपने जो एक्सेस दी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो चुके हैं। क्लियरली आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, 66 का ऑब्जेक्ट। जरा देखेंगे 3D के अंदर, तो 3D के अंदर आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। क्लियर, ये आपके पास कहां वर्क होने वाला है, जब आप 3D के अंदर वर्क करेंगे। यस, जब आप 3D ड्राइंग के अंदर वर्क करेंगे तब आपको वहां पर ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए यहां पर यूज होगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर किस तरह से रोटेट करा सकते हैं, कौन सी एक्सेस के थ्रू रोटेट करा सकते हैं। तो देखिए आपने जो एक्सेस दी थी, यस, उस एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर के जो आपके पास जो 6 ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रोटेट हो चुके हैं। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब चलते हैं वापस हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पास, और यहाँ पर चलते हैं न्यूट्रल के पास। ओके, यहाँ पर इसको करते थे क्लोज। अब एक बार फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो अगले ऑप्शन है उनको वन बाय वन डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर रोटेट कराना चाहता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया। ओके, अब जरा बात करते हैं हमारे पास एरे की। तो AR एंटर करना है, AR एंटर करने के बाद मुझे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर पोलर एरे, पोलर एरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर देना पड़ेगा। तो मैंने ये सेंटर दे दिया और ये हमारे रोटेट हो गए। अब जरा बात करते हैं हमारे पास नीचे कमांड विंडो के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिखते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले एसोसिएटिव है, डिस्कस कर चुके हैं, बेस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आइटम एंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यस, आइटम एंगल्स कहाँ पर है, ये रहे आपके पास एंगल्स थे, इनके अंदर जो आइटम्स के एंगल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर आइटम के बारे में डिस्कस चुके हैं, एंगल बिटवीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्या, फिलिंग एंगल्स। यस, फिलिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस करना बाकी रह गया, रो के बारे में डिस्कस चुके हैं, लेवल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रोटेट एंगल, रोटेट आइटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब एग्जिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं फिलिंग एंगल्स के बारे में, फिलिंग एंगल्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए फिलिंग एंगल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए आपके पास जो डायरेक्शन थी उसी को यहाँ पर फिलिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया। जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई एंगल टू फिल प्लस द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देखिए फर्स्ट प्लस करेंगे तो CCW आएगा, यहाँ पर माइनस साइन करेंगे तो CW आएगा। यस, पहला है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियरली, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर एंगल देंगे स्पेसिफाई प्लस के अंदर तो वो चलेगा आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर बात करें, एंगल देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर 200 एंटर कर रहा हूँ। यस, कितना एंटर किया, 200 किया प्लस के अंदर। तो एंटर प्रेस करते ही देखेंगे यहाँ पर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यदि आप माइनस साइन से करते तो आपके पास होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू यहाँ पर रिमूव हो जाता है। देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए आपके पास फिलिंग एंगल्स यहाँ पर कितना हो गया, 200 हो गया। ऊपर जाके देखिए आपका जो फिलिंग एंगल्स है वो यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर मैं वापस करता हूँ 360 डिग्री और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, अब जरा बात करें फिलिंग एंगल्स के बारे में, फिर से चेंज करें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस साइन देना है, माइनस साइन दे दिया और इस बार वापस कर दिया है 200 और एंटर प्रेस किया है। तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, इस बार डायरेक्शन क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज की, जो कि हमने क्या देखा था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर देख रखा था। यस, डायरेक्शन के थ्रू भी हमने ये देखा था। तो बेसिकली आपके पास जितने भी आपके पास कमांड विंडो के अंदर कमांड दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास कहाँ आ चुके हैं, आपके रिबन्स बार के बारे में आ चुके हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके पास जितने भी टाइप्स के एरे थे, यस, आपके पास जितने भी टाइप के एरे थे इसमें से कौन कौन से थे, आपके पास पोलर एरे था, पाथ एरे था और रेक्टेंगल एरे था। इन सभी के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा एरे यूज होता है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हमने जो सर्कल बनाया था आपके लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसके सर्कल के थ्रू बनाए। यस, आप देखिए एक बार फिर से चलते हैं, काफी के मन में ये डाउट रह गया होगा कि क्या सर हर बार सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यस, मैं चाहता हूँ इसको मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करना। क्लियर, तो यहाँ पर सिंपल सा एरे एंटर किया, यहाँ पर सेलेक्ट द आइटम किया, यहाँ पर एंटर प्रेस किया। अब मुझे पोलर एरे देना है, अब मुझे यहाँ पर इसको सर्कल को किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कराना है, पहले मुझे यहाँ पर उसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रेंडमली यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे दिया। तो देखिए इस जहां पर हमने सेंटर पॉइंट दिया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या किया, सर्कल को डिफाइन कर दिया और उसी सर्कल को क्या लिया है, हमने उसी सर्कल का जो सेंटर है वही हमने क्या लिया, सेंटर पॉइंट लिया। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पोलर एरे को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पोलर एरे कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल को, उसके बाद पाथ एरे को और पोलर एरे को डिस्कस कर चुका है। क्लियरली आपके पास वन बाय वन एरे हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।